वन्यजीव विभाग सह्याद्री सातारा के सामाजिक वनीकरण के वन कर्मचारी संविधान चौक में अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वन विभाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे और नारेबाजी कर रहे ये तमाम अस्थायी कर्मचारी वन विभाग के हैं। वन विभाग प्रशासन और अस्थायी कर्मचारी इनके बीच का फासला दूरी बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वन कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये तमाम कर्मचारी पिछले कई वर्षों से बतौर वन कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका इन्हें वेतन भी मिल रहा है, लेकिन वेतन की संख्या काफी कम है। ऐसे में इन लोगों को भी अभी स्थायी नहीं किया गया है, जिसके चलते इन लोगों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। इस बारे में इन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को बार बार समझाया है और निवेदन भी दिया है, उसके बावजूद वन अधिकारी पूरी तरह से इस विषय को लेकर आंखें मूंद कर बैठी है। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी न्याय नहीं मिलने से आखिरकार ये तमाम वन कर्मचारी संविधान चौक पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हम यही आंदोलन करते रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी भी नागपुर मुख्य वन विभाग की रहेगी, ऐसी जानकारी अस्थायी वन कर्मचारियों ने दी है। आज भी सरकार की ओर से कोई रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का यह आलम है कि लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए मजबूर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सातारा से आज संविधान चौक पर आंदोलन करते हुए नजर आए। उनका यह मानना है कि वे तमाम लोग वन विभाग में काम करते हैं और उन्हें 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं, मात्र 8,000 सैलरी के ऊपर में वे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। एक प्रकार से कहा जाए कि वे पूरी तरह से अस्थायी कर्मचारी है, जिन्हें स्थायी रूप से परमानेंट नहीं किया गया है। बेरोजगारी का आलम है। आइए, आप देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने परमानेंट होने के ऑर्डर निकलना चाहिए, इस बात के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया है। कुछ नौजवान साथी उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आप कहाँ से आए, क्या आपकी मांग है? हम तो सतारा से आए हैं। म्हणजे मी सातारावरून आलेलो आहे। मी माझं नाव रामचंद्र वावरे भिसे आणि मी 20-25 वर्ष आम्ही सर्वजण इथं काम करत आहे, परंतु आमचं काय या लोकांनी मास्टर 32 नंबर काही व्यवस्थित ठेवलेला नाही आणि आमच्यावरती सातत्याने अन्याय चालू केलेला आहे। आणि आता इकडे उपोषणाला आलो म्हणून आमचे अधिकारी म्हणू लागले की आम्ही बाबा तुम्हाला आता कामावरून काढून टाकणार, पण आमची यांनी जर कामावरून जर काढली तर उपासमार होणार आहे। आणि पहिली गोष्ट म्हणजे आमचा पगार, हा प्रत्येक मजुराचा पगार कसा होतो हे सांगतो मी तुम्हाला। महिन्यातला पगार होत नाही तर वर्षातून येणार फक्त दोनच वेळा पगार होतो, वर्षातून दोनच वेळा पगार झाला होतो। आमच्या पोरांना बिस्किट नाही, कुठल्याही सुविधा भेटत नाही, मिळत नाही, कुठल्याही गोष्टीची सोय मिळत नाही। ना आमच्याकडे आयडेंटिटी नाही, नाही खाकीची वर्दी नाही किंवा युनिफॉर्म नाही, काही नाही। आमच्या आता आमचे मी लोक बघा, आमचे बाबा आहेत, यांचं वय 55 आहे, त्यांनी 40 वर्ष काम केलं, 40 वर्ष काम केलं तरी या बाबांना ना अजूनपर्यंत परमानंट मिळू केलेलं नाही। असेच लोक आहेत बघा, त्यांचा पात्र रिपोर्ट आहे, तरी यांचा पात्र रिपोर्ट असून निघाला समितीने, शासनाने केलेला गठित समितीने रिपोर्ट आहे यांच्याकडे, तरी यांना पात्र केलेला आहे। हे बघा, यांचे 5 वर्ष पूर्ण आहेत, माझ्याकडे कागद आहे, त्यांचे 5 वर्ष पूर्ण झालेले, तरी या माणसाला परमानंट नाही केलं। एक असा माणूस आहे त्याचा वाद म्हणून त्याची ऑर्डर दिलेली आणि ते म्हणतात तुमचा मास्टर खराब आहे का? सर, ये बताइए, आप चाहते क्या हो? आम्ही आता म्हणतो की आम्हाला तात्काळ कायम केलं पाहिजे, जोपर्यंत कायम करत नाही तोपर्यंत मी तर मेलं तरी उठणार नाही। वन मजुरांना कायम केलं पाहिजे, वन मजुरांचे हालत अपुष्ट झालेली, पहिल्यांदा थांबवा पिळणी केली तुम्ही लोकांची, ही लोक मराय लागलेत, कष्ट करून करून घाम यायला लागलाय। आज दिवसभर 5 दिवस झाला आम्ही उपाशी, अन्न नाही, पाणी नाही, काय नाही, रोज जातो। आज ऑफिस मध्ये गेलो की अंगा यायला लागली, आमच्याकडे पोहोचे वस्ती बघा, या बघा आप क्या लेना चाहोगे?
आम्ही जवळजवळ 25 वर्षे काम केलेले आहे. आमचे 5 रिपोर्ट गेलेले आहेत. 5 वर्षे सलग किंवा तुटपदीने आमचे भरलेले आहेत. तरी आम्हाला अजून कायम केलं नाही. तरी आम्हाला कायम करावी आमची मागणी. आमची तीच मागणी आहे. 30-30 वर्ष काम करून जर गरीब असायचं म्हणलं तर काय, आमची तीच मागणी आहे की कायम करून घ्यावं म्हणून. आम्ही सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोयना अभयारण्यात गेली 23 वर्ष काम करतोय. आमचे बामणोली रेंज वाईल्ड लाईफचे त्याच्यात आम्ही काम करतोय. परंतु आम्हाला अजून कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे पगाराव्यतिरिक्त काय कुठली सुविधा दिलेली नाही किंवा काय नाही. आणि आमच्यावर अन्याय केलेला आहे तरी आम्हाला तातडीने शासनाने शेत कायम करावं. 20 वर्ष झाले ते आम्हाला अजून कायम केलं नाही. असं 20-22 वर्ष हे बामणोली रेंज मधील जे वनमजूर आहेत त्यांची यांना कायम कुठल्याही पद्धतीने केलेलं गेलेलं नाहीये अथवा शासनाच्या कुठल्याही योजनांचा लाभ दिला जात नाहीये. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 8,800 रुपयात हे राबवलं जातं आणि 12 तास थोडा पण 24 तास देखील काम करून घेतलं जातं, राबवलं जातं. आम्हाला अगर आपकी मांगों को दरकिनार सरकार कर रही है ऐसा आपका मानना है, वन विभाग कर रही है, आपको पूरा तवज्जो नहीं दे रही है, भविष्य में आपकी रणनीति क्या होगी? भविष्य आम्हाला परमनंट करावं, कायमस्वरूपी करावं, कायमस्वरूपी ऑर्डर द्यावा. आम्ही जे क्षेत्रीय कर्मचारी काम करत आहेत आता जे आम्ही काम करतोय ती प्रामाणिकपणे कामं करून वन विभागाला आम्ही सहकार्य करतोय. असंच वन विभागाने देखील आम्हाला सेवेत कायम करून घेऊन आमची उपासमार रोखवावी व आमच्या जी मुलं बाळं आहेत त्यांची दुवा घ्यावी ही विनंती होती. आम्ही आता इथं बसलेले उपोषणला आम्हाला कायम करत केल्याशिवाय आम्ही इथून उठणारच नाही. आम्ही ठाम मनाची निर्णय केलेला आहे. आम्ही प्राण गेला तर बेहतर पण आम्ही इथून उठणार नाही. कारण किती दिवस वाट बघायची? आमचा 5 रुपये गेलेला असून सुद्धा आम्हाला आजपर्यंत तुम्ही का कायम केलं नाही किंवा आम्हाला कायम करण्यात आलं नाही. शासनाने याची दखल घेऊन आम्हाला ताबडतोब कायम करावं एवढीच आमच्या सर्वांची मागणी. सातारा जिले की ये वही कर्मचारी है जो यहाँ पे आज नागपुर में आए हुए हैं. वन विभाग के अधिकारियों को अपना निवेदन देने के लिए ये लोग आए हुए हैं और उनको ये बता देना चाहते हैं कि सातारा में 170 ऐसे वन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक यहाँ पे अस्थायी कर्मचारी के तौर पर वे काम कर रहे हैं. स्थायी नहीं किया गया है. मात्र 8,000 के वेतन श्रेणी में वे काम कर रहे हैं. पैसे भी ठीक से नहीं मिलते. उन्हें जो सुविधाएं जो चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही है जिसके चलते ये परिवार पे भुखमरी की नौबत आ पड़ी है. सरकार इनके ऊपर ध्यान दे, वन विभाग इनके ऊपर ध्यान दे, वन विभाग के मंत्री जो है वो इनके ऊपर ध्यान दे. इनके जैसे 170 लोग हैं आप सोच सकते हो 170 का जो संख्या है बहुत ज्यादा है. जिस प्रकार से इनके बारे में जो कहा गया था कि इनका कम से कितना वर्ष होता आपको, इनको 40 के आसपास इनको वर्ष हुआ था काम करते वगैरह. ये परमानेंट हुए, कुछ 25 वर्ष के हैं, कुछ 20 वर्ष के हैं. ये लोग अभी भी परमानेंट नहीं हुए जिसके चलते इन लोगों के गुजर बसर के ऊपर में जो परिवार है वो काफी परेशान है. ये अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा, परिवार का गुजर बसर नहीं कर रहे, खुद का भी नहीं कर पा रहे. और वन विभाग में काफी पोस्ट है जो कि अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है. ऐसे में वन विभाग को क्या लोगों के काम की जरूरत नहीं है क्या, ये सवाल अब उठ रहा है. और जिस प्रकार से ये लोग कितने वर्षों से वन विभाग में काम कर रहे हैं अब तक के ये परमानेंट नहीं हुए, क्या इस सरकार का ध्यान जाएगा या नहीं, एक देखने वाली बात होगी. संविदा चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर.